हुण असी कहानी दा दूजा भाग शुरू करन जा रहे हां। राजा अपनी सेना दे सिपाहियां नूं हुकम दिंदा है कि फौरन मतलब जल्दी मेरी मुंदरी नूं कढ के लियाओ। पर सारे ही सिपाही चौड़े लंबे ते रिष्ट पुष्ट सन ते चट्टानां दे विचकार दा राह बहुत घट सी। कोई हौसले वाला पतली दिख वाला ताकतवर सिपाही ही इस काम नूं संपूर्ण मतलब पूरा कर सकता सी। पर उस राजे दी सेना विच एक भी अजिहा सिपाही नहीं सी जो इस काम नूं निरपरे चढ़न की ताकत करता होवे। सिपाहियां ने हर कोशिश करके वेख ली ते उन्हां विचों कुछ थक हार के किसी पतले आदमी की तलाश विच निकल गए। सिपाहियां नूं जंगल विच लकड़ां इकट्ठियां कर रहा एक पतला जिहा नौजवान मिलिया जिसनों वेख के सिपाहियां दे मन विच आस जिसनों असी मतलब उम्मीद भी कहते हाँ किरण फुटी। पर उस नौजवान ने उन्हां सिपाहियां नाल जाण तों ना कर दित्ती। उसने कहा मेरी तुहाडे नाल कोई नाराजगी नहीं, मेरी नाराजगी राजे नाल है जो अपनी सेना विच किसे वर्ग दे विच साडे वर्गा कोई व्यक्ति भर्ती नहीं करता। उस नौजवान ने कहा मैं तलवार चलाउण विच निपुण मतलब माहर हाँ, पूरन तंदुरुस्त हाँ, अपने देश लई मर मिटण दा जज्बा मतलब भावना रखदा हाँ। इस तों वध एक सिपाही विच होर किस गुण दी लोड़ है।